हेलो फ्रेंड्स, तो भाई आज मैं आपको बताना हूँ ना भाई, आपका कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है आपको मतलब भाई आईओएस में कैसे बदल सकते हो भाई, भाई फुल्ली कन्वर्ट कर सकते हो मतलब भाई आईफोन में। आपका कोई भी फ़ोन हो भाई, मतलब पूरा पैनल से लेके वॉल्यूम बटन तक, स्क्रीन तक, सब कुछ भाई मतलब आईओएस में मतलब आपका चेंज हो जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है भाई, मतलब वीडियो भाई पूरा देखोगे पूरा कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से भाई वीडियो देखना है तभी आपको सब कुछ मतलब समझ में आएगा, नहीं तो भाई स्किप करोगे तो भाई कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। आपको भाई आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। मैंने क्रोम में भाई मतलब एक लिंक दिया, मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ ये वाला, मतलब भाई ये आई लॉन्चर भाई राजती जो है ना भाई, ये आई लॉन्चर का भाई मतलब भाई मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप जाके मतलब उस पर क्लिक करिएगा और भाई उसको मतलब इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद से इसको ओपन करने के बाद से भाई ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, मतलब इससे पूरा परमिशन ऑलरेडी रहेगा, उसके बाद से पूरा परमिशन देने का जरूरत नहीं है, कंटिन्यू कर देना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई अभी कर देना है। उसके बाद भाई अगर ये हो जाए तो भाई सिंपली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब जिसको इसको इंस्टॉल करने के बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आपका मतलब भाई लॉन्चर में मतलब भाई परिवर्तन हो जाएगा, जो मतलब एप्पल का फ़ोन होता है आईफोन होता है वैसे मतलब भाई इसका मतलब भाई लॉन्चर बदल जाएगा, जो कि मतलब भाई कोई भी दिक्कत वाली मतलब काम नहीं है, बस एक ऐप इंस्टॉल करना है उसके बाद से आईओएस में कन्वर्ट हो गया। उसका भाई लिखा है रियल आईओएस फॉर सेटअप, कि भाई मतलब भाई थीम के लिए भाई मतलब रियल थीम बनाने के लिए इसको भाई मतलब एक्सट्रैक्ट ऑल पे मतलब क्लिक करना है, नीचे जो एक्सट्रैक्ट ऑल लिखा है उसका से एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड पे भाई को सिंपली क्लिक करना है, उसका जैसे साइन वाला बटन पे क्लिक करना है, आपको सिंपली एक्सट्रैक्टिंग ये मतलब होने लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा सक्सेसफुल। उसके बाद वीडियो को मतलब भाई काट देना, मतलब ऐसे करने के बाद कट कर देना, उसके बाद फिर से उस आईओएस में आपको सिंपली मतलब टच करना है, टच करने के बाद आपको सिंपली मतलब भाई जैसे उस पर टच करोगे आपका मतलब भाई फिर से वो लॉन्चर मतलब आपका आ जाएगा। आपको थीम इंस्टॉल को मतलब अपना जो भी मतलब कोई लेटेस्ट अगर थीम आप डाउनलोड किए हुए हो उसको भाई आपको सिंपली डिलीट कर देना है। उसके बाद से आपको सिंपली आई लॉन्चर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका मतलब भाई फिर से आईओएस मतलब वाला आ जाएगा, जैसे आईफोन रहता है वैसे आपको सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के। उसके बाद आपको सिंपली कुछ भी करने का जरूरत नहीं होगा। आपको उसका जैसे क्लिक करेंगे भाई ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, मतलब ऐसा ही हो जाएगा, मतलब बिल्कुल आईओएस जैसा मतलब भाई आईफोन जैसा आपका मतलब फ़ोन बन जाएगा। उसके बाद से अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आप चाहते हो वॉल्यूम बटन भी मतलब वॉल्यूम बटन जो कंट्रोल पैनल ऊपर से जो मतलब नीचे खींचते हो वो वाला वॉल्यूम बटन आप मतलब आईओएस की तरह बनाना चाहते हो, आपको सिंपली कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आपको भाई सिंपली कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई अभी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के भावना में आप खो चुके हो, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई अभी कर दो। उसके बाद आपको सिंपली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली प्ले स्टोर आपको ओपन करना है। आईफोन बन गए तो मुझे भाई प्ले स्टोर ढूंढने में बहुत समय में मतलब लग गया। आप सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है, उसके बाद से स्टाइल लिख के आपको सिंपली स्टाइल वॉल्यूम लिखना है। आपको सिंपली जैसे ही स्टाइल और वॉल्यूम लिखोगे ना भाई आपको सिंपली मतलब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो सर मैंने लिखा ना भाई स्टाइल वॉल्यूम, आपको सिंपली इस पे मतलब ऊपर जो है स्टाइल वॉल्यूम मतलब कस्टमाइज और वॉल्यूम पैनल, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल करना है। और भाई जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई अभी कर सकते हो, तो भाई यार देरी मत करो, अभी कर दो यार, प्लीज़ यार वीडियो आपके लिए बनता है ना भाई, तो प्लीज़ यार ये तो काम मतलब भाई बिल्कुल कर दो। उसके बाद से मतलब भाई ये करंट में लगा है, जो ये एंड्रॉयड है उसमें ये रहता है, एंड्रॉयड 12 में जो ये दिया हुआ है वॉल्यूम पैनल वो वाला है। उसके बाद से भाई ये हमारा एप्पल वाला है, आईफोन वाला, आईओएस वाला। उसके बाद से ये सैमसंग में का है भाई, उसके बाद से ये मतलब भाई 112 का सैमसंग में का है भाई। उसके बाद से आरजीबी मतलब जो भी है वेब यूआई मतलब भाई एमआई कलर 6 मतलब भाई आईफोन में मतलब आपको सिंपली आईफोन जैसा सेट करना है, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना। आपको उसके बाद से मतलब सिंपली कुछ नहीं करना, आईओएस पे आपको सिंपली टच कर देना है और स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, और भाई जो लिखा है ना भाई डाउनलोड ऐप लिखा है भाई वॉल्यूम स्टाइल, आपको सिंपली उस पे क्लिक करके वॉल्यूम स्टाइल को भाई मतलब भाई परमिशन दे देना है। उसके बाद आपको सिंपली कट कर देना है। कट करने का जैसे ही मतलब भाई वॉल्यूम पे क्लिक टच करते हो उसके बाद से आपको सिंपली भाई देखो आईओएस बिल्कुल मतलब भाई आईफोन की तरह, जैसे आईफोन काम करता है ना भाई वॉल्यूम मतलब जैसे उसका वॉल्यूम काम करता है वैसे आपका मतलब भाई वॉल्यूम बन जाएगा बिना कोई दिक्कत के। तो भाई अगर वीडियो अगर पसंद आई हो अभी तक भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई अभी कर दीजिए। उसके बाद से आपको सिंपली कुछ नहीं करना भाई, आपका वॉल्यूम भाई मतलब भाई बिल्कुल आईओएस की तरह बन गया। उसके बाद से आपको ये पैनल बनाना है आईओएस की तरह, मतलब पूरा जब फ़ोन को आईओएस बना रहे हो तो बस लॉन्चर से नहीं उसका वॉल्यूम से लेकर इसका ये
पैनल बार तक मतलब सब कुछ मतलब भाई iOS की तरह मैं आपको बना के मतलब बताऊंगा। उसके लिए आपको सिंपली कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर जैसे आप ओपन करोगे ना भाई, आपको सर्च का करना है, आपको सर्च करना है iCenter iOS 515 जो कंट्रोल सेंटर भाई iOS कंट्रोल सेंटर। आपको सिंपली इस ऐप को भाई मतलब भाई डाउनलोड करना है भाई, जो 10 MB का है। इंस्टॉल करने के बाद भाई ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको नोटिफिकेशन एक्सेस पे क्लिक करके इसको भाई इसको इस पर क्लिक करके भाई इसके आल पे मतलब भाई अलाउ कर देना है। उसके से दूसरे पर क्लिक करके इसको भी मतलब भाई परमिशन दे देना है। उस तीसरे पे एक्सेसिबिलिटी वाला है, उसको भाई नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो मिल जाएगा iOS कंट्रोल ऊपर की तरफ दिया हुआ है, उसका से इस पर क्लिक करके भाई इसको भी मतलब भाई हम अलाउ कर देंगे। उसका सिंपली कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भाई अब भी कर दो, क्योंकि आपका भाई 80% काम हो गया है। उसके बाद से आपको मतलब भाई जैसे चाहे मतलब वैसे iOS में मतलब बना सकते हो, मतलब ये वाला भी बना सकते हो भाई, जो वाला उधर है लेफ्ट में आप वो भी मतलब भाई कर सकते हो। लेकिन भाई आपको लेफ्ट वाला नहीं करना है, जो ऐसे आएगा उस आपको बीच वाला यही करना है, ये वाला भाई मतलब भाई ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब भाई देखो आपको बताता हूँ पूरा iOS में टच करके, देखो भाई पूरा ये iOS मेरा बन गया है आईफोन की तरह मतलब भाई दिखने लगा है। उसके बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको वॉल्यूम भी मतलब वैसे ही हो गया है, मतलब ये नोटिफिकेशन बार पैनल भी आपको सिंपली मतलब भाई वैसे हो गया, मतलब आपको दिखा देता हूँ भाई। लेकिन भाई पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो भाई अभी कर लीजिए प्लीज़ यार। देख रहे हो भाई नोटिफिकेशन बार कैसे आ रहा है, मतलब बिल्कुल iOS आपका फ़ोन मतलब भाई एंड्रॉयड नहीं रहा और भाई iOS में कन्वर्ट हो चुका है। सब कुछ फीचर्स वैसे ही, किसी के सामने अगर चलाओगे ना भाई तो वो तो भाई बहुत चक्कर रह जाएगा कि मतलब भाई ये इसके पास आईफोन ही है। भाई वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।